तो आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है अल्जेब्रा। बच्चों को एडवांस मैथमेटिक्स में जैसा कि उन्होंने बोला कि उनको काफ़ी समस्याएं होती हैं, तो मैं आज अल्जेब्रा के यानी बीज गणित, इसको हिंदी में कहते हैं, तो इसके मैं कुछ उन क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आया हूँ जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड होने से मतलब हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे ही जाते हैं। प्लस साथ साथ बात यह है ना कि इस क्लास में आपको जो फायदा होगा, तो पहले तो वो फायदा आपको बता देते हैं कि उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं सारे के सारे आपको होंगे। फॉर्मूले के साथ मैं कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगा, उसके साथ साथ मैं शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कस करूंगा, और सबसे आखिरी की बात यह है कि मैं आपको इसकी हूबहू सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ भी देने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल पर, मेरे जो मैथ भाई अनुराग दीक्षित है और पाठशाला रेलवे एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पर, जो कि इसी नाम से है, पाठशाला पाठशाला डैश रेलवे एग्जाम, ठीक, एस रेलवे एग्जाम, या मेरा चैनल टेलीग्राम चैनल, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स बाय अनुराग दीक्षित। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए इसमें जो फॉर्मूले आपके लिए यूज होंगे उनका इस्तेमाल, ये पहली चीज तो आपको याद होने चाहिए सारे के सारे, और याद होने से ज्यादा ये है ना कि आप इन पर थोड़ी सी अपनी एक्सरसाइज कर लीजिए ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाए। जैसे ये लिखा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर कुछ दे रखी है, कोई कांस्टेंट वैल्यू ए या इसकी जगह कुछ भी लिखा है, और आपसे पूछ लेता है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो वो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस टू। अगर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर ए दिया है और तब इसकी वैल्यू अगर पूछी जाती है तो क्या होती है ए स्क्वायर प्लस टू। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कुछ दिया है और पावर में देखिए फोर हो गया, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं, इसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। आप समझिए कि ये पावर दो थी और ये पावर चार है, यानी पावर डबल हो रही है। पावर हमेशा इसी टाइप में बढ़ती है, या तो एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स से एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स की पावर फोर आएगा सेम टाइप में, या एक्स से एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स की पावर फाइव आ जाएगा। पावर हमेशा दो दो के गैप में आपसे बढ़कर पूछी जाती है और कॉन्सेप्ट इन्हीं पर काम करता है, जब पावर की गैपिंग कितनी होती है, दो दो, ठीक। तो आप ये देखो कि यहाँ पर पावर दो है, यहाँ पर चार है। तो आपने पहले सीखा कि अगर ये x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर ए था तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस टू हो गई थी, यहाँ भी पावर डबल हो गई। तो आपको करना कुछ नहीं है, सेम वैल्यू का स्क्वायर करके, जो कि ये कॉन्स्टेंट वैल्यू थी, इसका स्क्वायर करके दो माइनस कर देना है, सिंपल। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर ए दिया है और अगर क्यूब वाली वैल्यू पूछ रहा है, तो आप देखिए इसका क्यूब करके तीन गुना करके घटाना होता है, इसी का तीन गुना इसमें घटाना होता है। आप ये समझना कि जब ये प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस करना होगा, और अगर ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस करना होता है, सिंपल सी बात। जैसे ये प्लस है तो यहाँ माइनस करना है, और अगर ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस करना है, सेम कॉन्सेप्ट स्क्वायर में भी क्यूब में भी। अब एक चीज आपको समझना ये बेहद जरूरी है कि इसका इस्तेमाल अगर आप समझ लोगे ना तो ये चीजें आपको बेहतर काम देंगी। सपोज करिए कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर आपके पास कुछ वैल्यू लिखी, मान लीजिए चार, और आपसे कहता है x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें काफी देखा गया है बच्चों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सब चीजों में आपको समस्याएं नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर फोर दिया और आपसे पूछ रहा, मैं उसको भी बताऊंगा, ये मत सोचना कि वो रफ कर दिया तो नहीं बताऊंगा। तो अगर x प्लस वन अपॉन एक्स पूछा है, आप देखिए माइनस से प्लस आ रहा है, इसमें ध्यान देना माइनस से किसकी तरफ आ रहे हैं, प्लस की तरफ। तो जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनती है, इसकी रूट के अंदर जो ये वैल्यू थी इसका स्क्वायर, यानी कि 16 और प्लस 4, ये चार कांस्टेंट होता है, तो ये बन जाएगा रूट ऑफ 20। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। ये फॉर्मूले इसीलिए मैंने आपको लिख दिए हैं ताकि इसमें बहुत ज्यादा समय देकर आपको वो ना किया जाए, इनके कॉन्सेप्ट को आप देखिएगा और फिर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अब होता क्या है ना कि इन्हीं चीजों को, इन्हीं फॉर्मूलों को टीचर्स कैसे करके बताते हैं कि ये देखिए आ गई शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक का महाबाप, रेलवे के लिए शॉर्ट ट्रिक मरते जन्म तक नहीं भूलोगे, इस प्रकार के थंबनेल आपको देखने को मिल जाते हैं यूट्यूब पर। कोई भी चीज शॉर्ट, मेरा मानना हमेशा से ये रहा है कोई भी चीज शॉर्ट ट्रिक जैसी होती नहीं है, कॉन्सेप्ट का अच्छी पकड़ और उसका लास्ट पार्ट ही को शॉर्ट ट्रिक बोला जाता है, और इसी से बच्चों को आगे ये कहा जाता है कि ये शॉर्ट ट्रिक है, ये ऐसे है, वो ऐसे है। मैंने देखा है लोगों को करते हुए, अब नाम नहीं लेंगे वो एक अलग की बात है, ठीक है। चलो इसी को आप शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो।
लेकिन है नहीं कॉन्सेप्ट का अगला पार्ट। देखो अगर x प्लस वन अपॉन x दिया है और x माइनस वन अपॉन x पूछ रहा है, अब की बार ध्यान से देखना कि x प्लस वन अपॉन x देकर x माइनस वन अपॉन x दे रहा है, तो आप ये देखिए कि ये प्लस से माइनस की तरफ आ रहा है, पिछले बारे में माइनस से प्लस की तरफ आया था। तो ये जिसकी तरफ जाएगा, जब पावर सिंगल सिंगल होंगे तो जिसकी तरफ जाएगा साइन उसको लोगे, तो इसमें साइन क्या ले लोगे, ए स्क्वायर। अब किसकी तरफ आ रहा है सर, प्लस से माइनस की तरफ, तो माइनस ही लोगे, तो ए स्क्वायर माइनस फोर। यही फिर से एक बार बोलता हूँ कि अगर x माइनस वन अपॉन x दिया होता और x प्लस वन अपॉन x पूछता, तो आप देखते हैं माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, तो ये क्या बन जाता, ए स्क्वायर तो रहते ही प्लस फोर हो जाता, क्या हो जाता प्लस फोर। जिस साइन की तरफ जाएंगे कब, जब x की पावर सिंगल होगी, तो साइन उसी का लेंगे जिसकी तरफ जाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए कभी कभी सवालों में, कभी कभी क्या, आज तक कल तो अक्सर इस सवाल के लिए जद्दोजहद होने लगी कि ये पूछ दिया जाता है, सिंगल पावर दी है x माइनस वन अपॉन x प्लस वन अपॉन x की सिंगल पावर दी, मान लीजिए k दिया और आपसे पूछ दिया ये क्या होगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको हमेशा याद रखो, इसका इस्तेमाल होगा और निश्चित होगा। एक क्यूब वाला प्लस के साइन के साथ, एक स्क्वायर वाला प्लस साइन के साथ, दोनों का गुणा। क्या बोला मैंने, अगर पावर 1 अपॉन 5 पूछी जाए, पावर 5 पूछी जाए, तो एक क्यूब प्लस साइन के साथ, एक स्क्वायर प्लस साइन के साथ, और इसमें घटाना होगा किसको, x प्लस 1 अपॉन x को, इसमें सारे प्लस रहते हैं। लेकिन अगर यहीं पे ये होता कि ना कि x माइनस 1 अपॉन x दिया होता और आपसे कहता कि x की पावर 5 और माइनस 1 अपॉन x की पावर 5 क्या होगा, ये अगर पूछ देता तब क्या करते है? इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनना। एक क्यूब वाला साइन, एक क्यूब वाला साइन, जैसे आप लेते हो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, जब ये माइनस का साइन हो, जैसे यहां पर प्लस का था तो सारे के सारे प्लस वाले हैं, यहां पर माइनस है केवल, ब्रैकेट के अंदर सारे प्लस। लेकिन अगर ये माइनस का है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये माइनस का है तो क्यूब वाला माइनस का, इसके साथ स्क्वायर वाला प्लस का, ठीक, और जो घटाया जा रहा है ना माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है, इसको आप याद कर लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले, तो मैं इसीलिए जो है किनारे भी हट जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ता हूं, इसके बाद नवा आता है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तो बहुत ही सरल हो जाता है क्योंकि आपको दिख जाता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म लिखी है और उसी को इसमें ब्रेक करके लिखा, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसमें घबराहट होती कि अरे दादा ये कि तुम काफी ज्यादा पूछ लिया, इसमें काफी ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखो एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर फोर माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फोर को अगर लिखा जाए तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, बोले हाँ सर लिख सकते हो। तो ये फिर से बन गया ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बना या नहीं बना, बोले हाँ सर बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ही एक्सपेंड करके लिख दिया गया, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एक्स की पावर सिक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर सिक्स, इसके लिए मैं आपको कुछ बताऊंगा, क्या बताऊंगा, अब एक्स की पावर सिक्स और वन अपॉन एक्स की पावर सिक्स को देखो जैसे लिखना चाहिए था ऐसे लिखा गया कि एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस यहां पर वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, ऐसे लिख दिया। या फिर इसको तुम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो कि एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। लेकिन ये लिखते क्यों नहीं है, इसका अंतर वो समझिए। देखो आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए फिलहाल कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं होगा सिवाय इसके कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, इसके अलावा। लेकिन जब आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लिखते हो ना इस फॉर्मेट में, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसके फॉर्मूले इस तरीके से ब्रेक करने से फायदा यह होता है कि हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर पाते हैं। और फिर फॉर्मूला क्या बन जाता है जब हम इस तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं कि जो लिखी ना वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस थ्री और ब्रैकेट में वही एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक, या ए प्लस बी या जो भी, ठीक है, मेरी बात समझे। ये कुछ और नहीं लिखा है, ये फॉर्मूला लिखा है, किसका फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला लिखा है ए, जैसे इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख लो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस में थ्री, थ्री ब्रैकेट में a प्लस बी,
ये बन जाता है और कुछ नहीं होता है। ठीक, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा पैनिक मत होना कि इतना बड़ा अगर आ गया तो हम करेंगे कैसे। क्लियर है ना मेरी बात? चलिए अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। होप सो ये फॉर्मूले आपको बहुत ज्यादा कारगर साबित होंगे। ठीक है, फॉर्मूले इज, क्लियर है ना मेरी बात? चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पर, और ये है इसका आज का पहला क्वेश्चन, और उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छे से दिख रहा होगा। चलो, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर 62 है। इसकी वैल्यू पूछ लिया किसकी, एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6। होगा क्या, पैनिकनेस आ जाती है। तो इसको अभी मैंने आपको बताया था किस तरीके से लिखा जा सकता है, बोले सर इसको हम वैसे लिख सकते हैं। मैंने कहा कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए जरा समझिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब लिख सकता हूँ। अब मुझे जरूरत क्या है, अब इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही तो पढ़ा है अभी आपने, यस और नो? हाँ सर यही पढ़ा है। तो हमें जरूरत किसकी पड़ रही है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। अब ये मिलेगा कैसे समझो, अगर मैं इस दोनों को ध्यान से देखूं और अपना काम आगे बढ़ाने की सोचूं तो हो जाएगा काम। कैसे, ये x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 दिखा था, बोले यस सर दिखा था। मैंने कहा मैं इसमें भी 2 जोड़ देता हूं और उधर जो 62 था ना इसमें भी 2 जोड़ देता हूं, बोले सर फायदा क्या हुआ। फायदा बच्चा ये हुआ कि ये जो हिस्सा है ना ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये बन गया 64। अब दिखा आपको फायदा, ये स्क्वायर हटेगा इसका अंडर रूट आ जाएगा, तो इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा, बोले सर इसका अंडर रूट आ जाएगा 8। यानी कि आपको ये पता चल गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 8 आ गई। यहां रख देना है, काम खत्म हो जाएगा। 8 का क्यूब माइनस 3 गुणे 8, यही तो करना है, इतना ही काम था। 8 का क्यूब 512 और माइनस 24, 12 इधर कम करिए 12 और कम कर लीजिए 488। उत्तर क्या बन गया, 488। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे ना इन चीजों की, तो ये सवाल आप ओरल ही कर पाओगे, मतलब इसके लिए आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं होगी। जैसे आप इस्तेमाल करते हो ना अभी, पेन और पेपर की जरूरत पड़ेगी मैं ऐसे करूंगा तो इसकी जरूरत आपके लिए खत्म हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात, हाँ या ना? ठीक है, आगे बढ़ रहे, देखिएगा ध्यान से अगले सवाल पर। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स रूट 13 इसकी वैल्यू चाहिए। इसका फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिखा था ना, क्या लिखा था, बोले सर इसका फॉर्मूला आपने लिखा था क्यूब वाला हिस्सा माइनस में इसके साथ स्क्वायर वाला हिस्सा प्लस में और सर उसके बाद माइनस में एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये लिखा था सर आपने फॉर्मूला। मैंने कहा ओके ये लिखा था, बोले हाँ सर यही लिखा था, ओके। अब देखो, अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू है तुम्हारे पास और मुझे चाहिए x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब, तो मुझे x माइनस 1 अपॉन x का मान चाहिए होगा, ये जरूरी है, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। तो इससे अगर मैं x माइनस 1 अपॉन x का मान निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा, तो आपने बोला सर हम लोग प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, माइनस वाला साइन लेंगे सिंगल पावर पर जैसे आपने पहले बताया था, इसका स्क्वायर करेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 माइनस 4 9 बचेगा, यानी कि x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू आ गई अपने पास 3। अब मैं पूछ रहा हूं अगर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू 3 है तो आप मुझे बताओ x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, क्यूब हो गया। तो आपने कहा था सर इसका स्क्वायर कर, इसका क्यूब करेंगे इस बार और प्लस में क्या कर देंगे 3 ऑफ ए, माइनस है तो प्लस आ जाएगा 3 ऑफ ए, तो ये हो गया 27 और 27 प्लस 9 9 सात 16 यानी कि 36 हो गया इसकी वैल्यू। यहाँ पे मैंने इसकी जगह 36 लिख दिया, मल्टीप्लाई स्क्वायर है, स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे इसका स्क्वायर माइनस 2। अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए इससे, जैसे ये लिखा है और मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मुझे क्या करना होगा
सर इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर मतलब कि 13 और माइनस 2 कर देंगे तो अपने पास 11 आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आ गई 11 माइनस ये ब्रैकेट में एक्स माइनस 1/x कितना आ चुका है सर 3, 3 लिख दिया। अब आप बताइए आपका उत्तर किस तरफ जा रहा है। बोले सर मुझे दिख रहा है कि इसमें इकाई का अंक 6 आएगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो वो ऑप्शन आंसर होगा जिसमें इकाई में 3 है यानी कि 393। फिर भी पूरा कर लो। अच्छा 11 6 66 6 11 3 33 और 6 39 396, 396 में से 3 माइनस करेंगे 393, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक, तो ये सब चीजें जो मैंने आपको यहाँ पर करके बताई ना, ये वाली क्लास को पूरी देखोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे, दोबारा से अगर देख ली क्लास तो सोने पर सुहागा, आइस ऑन द केक। फिर ये सवाल मुंह जवानी होने लगेंगे, पावर चाहे 5 का हो चाहे 6 का हो। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इतना दिया है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ पूछ रहा है। अगर ये चाहिए मुझे तो मुझे पता है कि अगर एक्स प्लस 1/x बराबर कुछ दिया हो और मुझे एक्स क्यूब प्लस 1/x³ चाहिए होता है तो सर आपने फॉर्मूला बताया था कि इसका क्यूब करके -3 ऑफ के कर देते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है ना 3 ऑफ के, इसको निकालने के लिए सर हमारे पास x प्लस 1/x होना चाहिए। हमारे पास दिया क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो इससे अगर x प्लस 1/x निकालना है इस हिस्से से तो इसको कैसे करूँगा। अभी तो मैंने बोला क्या करा, बोला मैंने कहा इसमें दोनों तरफ 2 जोड़ देता हूँ, ये क्या बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और इसमें अगर मैं 2 जोड़ देता हूँ इधर तो 9 × 2 = 18, 3118 49 49/9। स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो कि मैं यहां लिख दूंगा x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट लेने पर, ऊपर 7 नीचे 3 आ जाएगी। यस सर आ जाएगी। अब मुझे चाहिए इसकी वैल्यू, इसका क्यूब 7 का क्यूब 343, 3 का क्यूब 27, माइनस 3 ऑफ के यानी कि 7 रहेगा भाई, 3 से 3 कट जाएगा 7 बचेगा। अब देखिएगा 7 × 7 = 49 इकाई में 9 आएगा, बोले आएगा सर, 13 में से 9 माइनस करोगे इकाई में क्या आना चाहिए 4, यानी वो ऑप्शन आंसर होगा जिसकी अंश में इकाई का अंक 4 है। तो ऐसा मुझे ऑप्शन एक ही दिख रहा था 154/27। सॉल्व करिए, सॉल्व करने के भी तरीके मैं आपको बताता जा रहा हूँ। आप ये देखो कि मैं अगर ये सॉल्व करता हूँ, मैंने जैसे यहाँ पर यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाया, तो आप कभी ये सोचिए कि ऐसा क्या है हमारे मन में, सर के मन में, कि उन्होंने इसको देखते ही यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगा दिया। मैंने देखा था एक नज़र ऑप्शन को, मैं देख पा रहा था कि सारे ऑप्शन में इन दोनों को देखो, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं था कि हमारे पास जो उत्तर आना चाहिए 7 वाला तो नहीं आएगा, नीचे 27 था, और कोई भी संख्या अगर 27 को काटेगी भी तो 7 बार तो काट ही नहीं पाएगी, इसलिए 7 तो नहीं आना था। अब ये बचे थे 3 ऑप्शन। फिर मैंने देखा कि इसके अंश 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 में इकाई में सब में अंक अलग अलग थे, मैंने ये लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे प्रश्न करते भी जा रहे हैं और इतना सोचते भी जा रहे हैं, यस दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, और यही आपको सीखना है, यही आपको करना है। अभी आप रेलवे का एग्जाम दोगे, आने वाले भविष्य में और भी बड़े बड़े एग्जाम दोगे, ये सारी चीज़ें आपको सोच के रखनी होगी दिमाग में, करते रहने होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस से आती है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आइए सर अगला क्वेश्चन। अब इस सवाल का आंसर कोई देख के ही बता देगा कि सर 52 होगा, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। इसमें इस सवाल में जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 52, इसके अलावा कुछ ही नहीं बन सकता। बोले सर क्यों, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इस हिस्से को और इस हिस्से को y मान लूं तो ये अपने पास ये लिखा है ना कि y प्लस 1/y बराबर 4, बोले हाँ सर लिखा है, और क्या पूछा गया सर y क्यूब प्लस 1/y³, यही तो पूछा गया है। देखो अगर मैं x माइनस 3 को y मान लेता हूँ, मैंने क्या कहा
मैंने x माइनस थ्री को अगर y मान लिया तो ये क्या मिल जाएगा, ये यही तो मिलेगा ना कि वाई क्यूब प्लस वन अपॉन वाई क्यूब। तो अगर इसका क्यूब करना होगा तो क्या करोगे, प्लस वाला है। तो सर आपने अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले कि ए क्यूब और अगर इसमें माइनस थ्री ऑफ ए कर देते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा। ए क्यूब मतलब चार का क्यूब चौंसठ, चौंसठ में से बारह माइनस करोगे 52 इज द आंसर, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान दिया, फाइव पावर पूछ रहा है प्लस में, फाइव पावर प्लस में होगी, फॉर्मूला क्या बनेगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाने का प्रयास किया था कि भाई अगर पावर फाइव है, एक्स की पावर फाइव, एक्स की पावर फाइव प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फाइव, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा अगर प्लस है। मैंने बताया था कि क्यूब वाला भी प्लस में, एक बार लिख भी देता हूं ताकि आपको याद भी हो जाए मेरे साथ साथ, और एक बार स्क्वायर में। अच्छा, मेरे साथ साथ बोल दिया तो इसका मतलब ये मत समझना कि सर को नहीं याद है, हमें नहीं याद होता तो हम लिख नहीं पाते, हम पीछे पलट के देख लेते हैं, मुझे इसमें कोई संकोच नहीं होता है कभी, ठीक। और माइनस में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ए तो लिखते हो, बोले हाँ सर ए लिखता, मुझे चाहिए इसका क्यूब, तो इसका क्यूब कर लेते हैं। अगर मुझे इससे क्यूब की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना होगा सर, इसके क्यूब में इसी का तीन गुना माइनस करना होगा। इसका क्यूब देखिए क्या आएगा, तीन का क्यूब 27, इसका क्यूब टू रूट टू, 27 दूनी 54 रूट टू आ गया, और माइनस इसी में इसका तीन गुना माइनस करना, यानी 9 रूट टू माइनस कर लेना है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना, मैंने क्या किया, 54 में से 9 गया, 45 रूट टू इसकी वैल्यू आ गई। ऐसे ही सवाल आपको भी करने होंगे, 15, 20, 45 रूट टू इसकी वैल्यू आ गई। इस पर चलते हैं सर, एक्स प्लस वन अपॉन, इसको हटाता हूं मैं, अब क्यूब वाला काम खत्म। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर करके दो माइनस करना है, इसका स्क्वायर तीन का स्क्वायर नौ, दो का स्क्वायर अट्ठारह, अट्ठारह में से दो माइनस कर लेंगे 16, यानी ये वैल्यू अपने पास 16 आ गई। माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, क्या वैल्यू दिया है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की, देखिए 3√2, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3√2। अब मेरे भाई तुम मुझे देख कर बताने का प्रयास करना और कोशिश करना कि इन दोनों में अगर मैं कुछ कॉमन लेना चाहूँ तो क्या लूँगा, इन दोनों में अगर मैं कुछ कॉमन लेना चाहूँ तो क्या लूँगा। बोले सर रूट टू कॉमन ले लेंगे, हमने कहा चलो वेरी गुड। अब इधर क्या बचेगा, 45 × 16, इधर क्या बचेगा माइनस का 3, यस और नो, बोले हाँ सर। देखो तो इसमें इकाई का अंक अगर मैं निकालूंगा तो अपने पास क्या आएगा, 6 × 5 = 30, 0, माइनस 3 कर देंगे, इकाई का अंक 7 बचेगा, यानी रूट टू तो आएगा ही, इसके बाद जो संख्या आएगी उसमें यूनिट डिजिट 7 होगी। ऐसा है क्या कोई, रूट टू यूनिट डिजिट 7, ऑप्शन नंबर डी आंसर।